Hello, Dr. Sankar, how are you? Hello, Dr. Bharti. I am very fine, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where do you live? I live in the same house. Oh my gosh! Okay, so let me introduce Dr. Kanchan Sankar, who is my beautiful wife. Hello. And आज की वीडियो की स्टोरी है इनके ऊपर कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च टू इंडस्ट्री. हेलो गाइस, व्हाट्सअप. माय नेम इज डॉक्टर संतोष कुमार भारती और मैं कंचन सोनकर. एंड वी बोथ आर रिसर्च साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन. एंड एकेडमिक रिसर्च में काफी टाइम स्पेंड करने के बाद इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है इंडस्ट्री, बायोटेक इंडस्ट्री एज ए साइंटिस्ट पोजीशन. तो इस वीडियो में हम डिटेल शेयर करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च टू इंडस्ट्री रिसर्च. टोटल डिटेल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस वीडियो में. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ. एक मैंने वीडियो बनाया था फैकल्टी के बारे में एंड पोस्ट डॉक्टर रिसर्च के बारे में एंड क्या वहाँ पे लेडर है, क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में. तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं एकेडमिक रिसर्च को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या इंडस्ट्री रिसर्च को बोल रहा हूँ. सही है? नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, न किसी को बोल रहा हूँ कि ये बेटर है. एकेडमिक रिसर्च इज ऑलवेज बेटर, हमेशा रहता है. बट मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. मेरे कहने का मतलब ये था कि हर एक PhD असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर बनना चाहता है. अगर वो उसको टारगेट टाइमली नहीं मिल रहा है तो कितने लंबे टाइम तक पोस्टडॉक करना चाहिए या क्या क्या पोजीशन है जिससे हमें अवेयर होना चाहिए ताकि अपने हम करियर को बेटर शेप दे सकें. अगर मुझे इस तरह कोई गाइड किया रहता तो काश मुझे बहुत अच्छा रहता. तो मेरा ये पर्पस था कि बस जानकारी आप लोगों को दूं, ये पर्पस नहीं था कि मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ. बहुत सारे ऐसे दोस्तों को भी इनवाइट करूँगा जो रियली एकेडमिक में अच्छा करियर सेटअप किए हैं, उनसे टिप्स भी लेंगे कि कैसे एकेडमिक करियर में अच्छा पोजिशन पा सकते हैं कम टाइम में एंड कैसे अच्छा ग्रो कर सकते हैं. कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं पोस्टडॉक में बहुत खुश हूँ, पोस्टडॉक में रिसर्च कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में कोई जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विथ कंट्रीब्यूटिंग इन द साइंस, ब्ला ब्ला. किसी भी पोजीशन पे हैं, किसी भी एरिया में, छोटी या बड़ी है, अगर आप हैप्पली काम कर रहे हो ना, दैट इज़ द बेस्ट जॉब एंड दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क. बट मेरा था कि मैं हैप्पी हूँ रिसर्च से, आई लव इट व्हाट आई एम डूइंग, बट जो करियर ग्रोथ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी. दैट इज़ व्हाई आई चेंज इट. मैंने तो ऐसा नहीं कि वो काम हम लाइक नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है. काम लाइक कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, बट यार ग्रोथ हमें चाहिए थी. एवरीवन नीड ए ग्रोथ. सो लेट्स स्टार्ट कंचन सोनकर के बारे में, इनका क्या एक्सपीरियंस है. सो फर्स्ट टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, व्हेन यू डिड योर PhD, योर पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस एंड टाइमलाइन. PhD मैंने 2013 में कंप्लीट की और उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक ज्वाइन किया US में, नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी में. मैंने फिर एक साल UPenn में पोस्ट डॉक किया. उसके बाद हमारी शादी हो गई और इनके पीछे पीछे मैं जॉन्स हॉपकिंस आ गई और वहाँ पर मैंने 4 साल पोस्ट डॉक किया. और रिसेंटली ही मैंने इंडस्ट्री में मूव किया है, बायोटेक कंपनी में. सो नाउ टेल मी व्हाई यू डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम एकेडमिक टू इंडस्ट्री. सो एकेडमिक मुझे बहुत पसंद था, लेकिन ये था कि बहुत साल पोस्ट डॉक करने के बाद भी करियर में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था. तो और बहुत इजी नहीं है कि आप NIH ग्रांट्स लेके आओ या दूसरी ग्रांट्स लेके आओ, और जब तक आपके पास ग्रांट्स नहीं रहेगी तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर तक जा नहीं सकते. तो कोई कितने टाइम तक जस्ट पोस्ट डॉक या रिसर्च एसोसिएट रहेगा. तो इस वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब एकेडमिक में ना रह के इंडस्ट्री में मूव करूंगी. और फिर हम लोगों ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम लग गया. पर जैसे ही आया जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया. सो पहले मैंने जॉब स्टार्ट सर्च किया और हमारा ओपन था कि उसमें कहीं भी जॉब आती है वहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लीकेशन देना शुरू कर दिया. बहुत सारे बीच में थोड़ा सा डिफिकल्टी आई, डिलेज हो गया. तो फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं हम दोनों लोग अप्लाई करते हैं, जिसको पहले जॉब मिलेगी वो मूव कर जाएगा. तो मैंने कंचन को भी बोला कि तुम भी अप्लाई करना शुरू करो. एंड यू नो आई गॉट द फर्स्ट, बिकॉज लेडीज फर्स्ट, यू नो. सो उसके बाद फिर जॉब का हो गया तो फिर हम लोग इधर मूव कर लिए. ये तुम्हारा फर्स्ट इंडस्ट्री जॉब थी? ओह यस, एकदम फर्स्ट. मैंने कभी इंडस्ट्री का नहीं हो. सो जब वहां से आके फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री ज्वाइन करना था तो हाउ नर्वस यू वाज, कितना या एक्साइटमेंट था नई जॉब ज्वाइन करने के लिए, या नर्वस थी, या हाउ, व्हाट वाज योर फीलिंग? एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा थे क्योंकि भाई इनसे पहले जॉब लग गई थी. और नर्वसनेस तो पूछो नहीं, मतलब मैंने कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में जॉब की नहीं और इतने
मतलब लोगों से सुनते रहते ना कि ऐसा है वैसा है, तो मतलब अगर बोलेंगे कि 50% नर्वस है तो 100% नर्वस थी मैं, बहुत ज़्यादा। नर्वस किस चीज़ों को लेके थी? एक ये था कि वर्क कल्चर कैसा रहेगा, लोग कैसे रहेंगे, टाइम्स या प्रोजेक्ट्स कैसे जाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेके, और कैसे मैं मैनेज करूँगी। स्टिल आई रिमेम्बर कंचन को पहले दिन जाना था तो शी वॉज लाइक रियली नर्वस, बट वेन यू ज्वाइन द फर्स्ट डे वॉट वॉज योर फीलिंग? सो फर्स्ट डे जब मैं गई तो ये हुआ था कि उस दिन पहली बार मैं अपने कुछ कलीग से मिली, और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार ज्वाइन करने के बाद ऑफिस आ रहे थे, क्योंकि पूरा लास्ट ईयर पैंडेमिक में था तो कोई नहीं था, तो कई लोगों का फर्स्ट डे था, और सबसे मिल के और बात करने के बाद मुझे लगा कि बहुत डिफरेंट नहीं रहेगा। बट उसके बाद जब सेकेंड डे, थर्ड डे, फिर उसके बाद मैंने मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया तो लगा कि इट इज़ डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट बट डिफरेंट। हम रिसर्च भी कर रहे हैं, हम सेम चीजें कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज का टाइम और सब कुछ इस तरह ना कि बहुत फास्ट पेस है, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सो यू आर कंफर्टेबल? बहुत ज्यादा। डेफिनेटली हम लोग किसी जगह पे लंबे टाइम रह जाते हैं, किसी सेटिंग में लंबे टाइम में रह जाते हैं, तो एक कम्फर्ट जोन बना रहता है, तो उस कम्फर्ट जोन से निकलने में थोड़ा सा अनइजी सा लगता है, बट एवरीवेयर इज जस्ट द सेम पीपल एंड सेम काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग। सो जिसको भी हेजिटेशन है, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताओ कि कंपनी क्या काम करती है, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या है? मेरी कंपनी बहुत छोटा सा स्टार्टअप कंपनी है जिसमें 10 से 15 लोग हैं, और हम लोग पेशेंट्स के सैंपल्स, बायोफ्लुइड्स और टिश्यू सैंपल्स लेके उनका मेटाबॉलिक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स यूज करके हम मॉडल बनाते हैं, और उन मॉडल से हम पेशेंट्स के ट्रीटमेंट प्लान और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स डेवलप करते हैं। मीन्स उस मेथड्स को लेके रियल डायग्नोसिस हो सकती है? यस, रियल डायग्नोस्टिक्स प्लान्स बना के बता सकते हैं कि हाँ कोई पर्सन का ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं, उसको किसी लेवल पे ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो ये सारे मॉडल्स हम प्रिडिक्ट कर देते हैं। रिसेंटली ही हम लोगों की कंपनी सीरीज सी फंडिंग ला रही है। अगर किसी को पता नहीं है कि ये सीरीज ABC फंडिंग क्या होती है तो उसको क्या बताओगी? तो स्टार्टअप कंपनीज में ये होता है कि भाई कोई भी कंपनी अगर कोई स्टार्ट करा है तो उसके पास जरूरी नहीं कि सारे फंड्स हो, राइट? सो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं और उनके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे फंडिंग्स देती हैं, तो उनको ABC और C या D सीरीज कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सीरीज ए में फंडिंग मिलेगी, कम पैसे देंगे आपको, उतने सर्टेन टाइम में प्रोजेक्ट्स फिनिश करना है, सब कुछ वो करना है। एक सीरीज खत्म होती है फिर इवेलुएट करने के बाद में फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट काइंड ऑफ मिलता है जिसको सीरीज बी बोलते हैं, तो हमारी कंपनी ने अभी जून में सीरीज बी फिनिश की है और अब सीरीज सी स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी फंडिंग के साथ। और सर्टेन टाइम तक आप ये सब कर लेते हो तो अपनी कंपनी को आप स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कर सकते हो पब्लिक ऑफरिंग के लिए, एंड उसके शेयर्स होते हैं, लोग खरीद सकते हैं। सो क्या सी के बाद पब्लिक फाइलिंग होती है या डी के बाद? डिपेंड करता है कि कंपनी कितना आपका इवैल्यूएशन हो गया। हमारी कंपनी का प्लान है कि सी के बाद वो फंड उसके लिए IPO के लिए फाइल करेंगे। सो कंपनी के साथ तुम्हारा डायरेक्ट हायर है या कॉन्ट्रैक्ट हायर है? कंपनी के साथ मेरा डायरेक्ट हायर है, और हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है उस तरह कर रही है, तो डायरेक्टली लोगों को हायर कर रही है। कंपनी जब हायर कर रही थी तो तुम्हारा वर्क प्रोफाइल PhD या पोस्ट डॉक का कितना मैचिंग था कंपनी के रिसर्च से? एक्चुअली मेरा PhD का पूरा वर्क एकदम सेम था जैसे हम लोग अभी कंपनी में कर रहे हैं। सेम पेशेंट्स का सैंपल लेके अपना मेटाबॉलिक इन्फॉर्मेशन निकालना और उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना कि कोई किस मतलब डिजीज ग्रुप में है या कंट्रोल ग्रुप में है, और सेम उसी तरह का काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग नहीं था, आप बेसिक टेक्निक्स स्टैटिस्टिक्स की यूज करते थे, बट यहाँ पे बहुत एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं। सो कैन यू कंपेयर योर पोस्ट डॉक टाइम वर्सेस इंडस्ट्री रिसर्च व्हाट यू आर डूइंग हियर? पोस्ट डॉक अगर इस तरह देखा जाए तो हम लोगों ने पोस्ट डॉक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं होता कि बहुत फोकस वे में जा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं हर तरह का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, नहीं आपके पास एक प्रोजेक्ट है तो आपका ये एंड पॉइंट है और आपको उसको फिनिश करना है और उसको एक टाइम के साथ फिनिश करना है, मतलब एंडलेसली जस्ट रिजल्ट नहीं निकालना है, रिसर्च नहीं करना है, मतलब एक गोल है
मीन्स हमारे पास एक टारगेटेड गोल है, इसको सर्टेन टाइम में फिनिश करना है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टर है उसने पैसा दिया है, उसको प्रोडक्ट दिखाना है कि हाँ प्रोडक्ट हमने बना दिया, फिर वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसको पैसा जनरेट करना है, सो इज अ टारगेटेड गोल। बहुत सारे लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कि पोस्टडॉक वर्सेस इंडस्ट्री में सैलरी क्या होती है, डेफिनेटली इस पर डिटेल वीडियो आएगी, बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन जनरल शेयरिंग दैट सैलरी इन्फॉर्मेशन। Definitely, postdoc से double है मेरी salary. Boston area में I think Boston area बहुत महंगा है. Yeah, Boston area महंगा है, तो you cannot compare directly, but yeah. But yes, number wise तो definitely double है. ये अगर overall पूछें कि क्या are you happy with your in transition from academic to industry? बहुत बहुत happy हूँ. कितना? और मुझे लग रहा है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा था. बहुत ज़्यादा happy हूँ. Okay. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग एकेडमिक रिसर्च में हैं तो डूइंग योर ओन वर्क, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द साइंस, डूइंग द रिसर्च, इंडस्ट्री में बहुत मनी ओरिएंटेड होता है, ऐसा एकेडमिक की तरह नहीं होता है, सो व्हाट इज अबाउट दैट? सबसे पहली चीज़, हम पोस्ट डॉक में कौन सा अपना रिसर्च करते हैं, ओन रिसर्च किसको बोलते हैं? हम कोई प्रोजेक्ट लिख के या कोई ग्रांट लिख के अपना प्रोजेक्ट नहीं लाते हैं। हाँ। जो भी काम करते हैं हम वो पीआई का काम करते हैं, तो ये पीआई का प्रोजेक्ट है, नॉट ओन रिसर्च। ओके, है ना? तो वो मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप बस साइंस एकेडमिक में ही कर रहे हैं। और इंडस्ट्री में मतलब हम साइंस ही कर रहे हैं, उसी तरह का साइंस कर रहे हैं जैसे हमने पीएचडी में किया है, पोस्ट डॉक में किया, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि हम वही साइंस करके डायरेक्टली पेशेंट्स को बता रहे हैं कि भाई आपका ट्रीटमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत टाइम डिफाइंड है कि सर्टेन टाइम में इस साइंस को अप्लाई करना है। यस, मतलब जस्ट हमको एंडलेसली रिसर्च नहीं करना है, हमको उसको दिखाना है। जस्ट कीप पब्लिशिंग पेपर, कीप पब्लिशिंग पेपर। कोई भी पर्सन इस डाउट में है कि वो इंडस्ट्री में रिसर्च नहीं कर सकता है, इंडस्ट्री में रिसर्च करते हैं, हाँ बस आप उस पब्लिकेशन उस तरह से नहीं छाप सकते हैं कि हाँ बस पब्लिकेशन छापते रहिए, इनका मेन गोल होता है कि अप्लाई करना है इस टेक्निक को रियल लाइफ। यस, रियल लाइफ में। एक नोबल लॉरिएट थे केमिस्ट्री के, रिचर्ड आर्नस्ट, जो एनएमआर में नोबल प्राइज उनको मिला है, इस ईयर वो गुजर गए, बट उनका अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो हमेशा वो बोलते थे कि आप इंडस्ट्री में सेटअप हो या एकेडमिक रिसर्च में, आपको इंडस्ट्री में 3-4 साल काम जरूर करना चाहिए, यू कैन सी हाउ द रियल रिसर्च इज गेटिंग अप्लाइड इन टू दैट रियल वार्ड एंड क्लिनिक हॉस्पिटल एंड एवरीवेयर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ज्वाइन किए हुए, 5 months, और अगर कंपेयर करें हमारे 8-9 years रिसर्च पोस्ट डॉक के, तो हमें कुछ भी नहीं पता कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो कैसे मार्केट में जाएगी। हाँ। लेकिन यहाँ इन 5 महीनों में मैंने देखा है कि किस तरह से सेम काम जो हम करते हैं उसको हम रिसर्च वाला सारा काम हम मार्केट में ले जा सकते हैं, मतलब किस तरह हम यही काम हम पेशेंट्स को पहुंचा रहे हैं, फिजिशियन से बात कर रहे हैं, किस तरह से वो करना है, इतनी सारी चीजें जस्ट 5 months में सीखने को मिली, मुझे 9 months में नहीं मिली, 9 years में नहीं मिली थी। एकेडमिक में बहुत अच्छा अच्छा रिसर्च हुआ है, बट उसका रियल जो एप्लीकेशन होता है ना, फिर वो इंडस्ट्री के थ्रू ही होके जाता है। एक चीज हमेशा रहता है कि एकेडमिक में पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल लर्निंग काफी रहती है, सो हाउ यू कंपेयर योर ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन पोस्टडॉक टाइम एंड हियर इन द इंडस्ट्री? जैसे कि मैंने बताया कि हमारी कंपनी में हमने अभी सीखा कि किस तरह से किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो सीखने को मिली। उसके अलावा टेक्निक्स के टर्म्स में भी पूरी फ्रीडम है कि हमें कोई नई टेक्निक सीखनी है। मेरा ये था कि मुझे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोर्स करना है, तो मुझे मेरी कंपनी की तरफ से पूरा फ्रीडम है कि हाँ तुम इसे कर सकते हो, तो ये सारी चीजें मुझे सीखने को मिल रही हैं। एकेडमिक रिसर्च में बहुत कम पीआईए से होते हैं जो अपने पोस्टडॉक को बोलते हैं कि हाँ आपने करियर डेवलपमेंट के लिए चीजें एक्स्ट्रा सीखो, सो उस तरह का क्या कंपनी में पर्सनल ग्रोथ के लिए या तो करियर डेवलपमेंट्स के लिए कैसे कंपनी प्रमोट करती है, या क्या ये लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या जस्ट दे आर फोकस्ड टू देयर वर्क? नहीं, कंपनी में सबको कंपनी के सीईओ को ये लगता है कि जब तक हम पर्सनल ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक कंपनी ग्रोथ नहीं करने वाली है, तो इसलिए सबको, हर पर्सन को एक पर्सनल गोल सेट करने के लिए ईयरली गोल, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि हाँ ये भाई आप अपना गोल सेट करो और हम अपने मैनेजर से बात करो और दोनों मिल के काम करो कि किस तरह से उसको
हम फाइनल खत्म कर सकते हैं और उसको कैसे कंपनी की ग्रोथ के साथ अलाइन कर सकते हैं और जितना सपोर्ट चाहिए कंपनी सपोर्ट करेगी। यस, पूरा सपोर्ट। सो ओवरऑल ये ट्रांजिशन फ्रॉम एकेडमिक टू इंडस्ट्री ये कितना हार्ड रहा या ट्रांजिशन ओवरऑल कैसा रहा? ट्रांजिशन कहेंगे कि 50-50 रहा, हार्ड भी रहा और इजी भी रहा। हार्ड इस टर्म में मैं बोलूंगी कि हम लोग तो पोस्ट डॉक में हमारे पास बहुत टाइम रहता है, राइट? तो हम थोड़ा सा इधर करके थोड़ा सा उधर करके जस्ट करते रहते हैं, मतलब ये भी नहीं रहता कि हमको एक टाइम पे एकदम फिनिश ही करना है। तो इस वजह से हम बहुत तरह फैल जाते हैं और यही काम मैं शुरू में कर रही थी, लेकिन मेरे मैनेजर से जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे डायरेक्ट किया कि नहीं, इस तरह से काम नहीं करते हैं कंपनी में। तुमको एक सर्टेन गोल मिला है, तुमको उसको फिनिश करना है। भले ही तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है उसको फिनिश करने का, लेकिन अच्छा है ना, जल्दी फिनिश करोगी अच्छा तुम्हारा इंप्रेशन जाएगा, तुम दूसरा काम शुरू कर सकते हो। तो इधर उधर करने से अच्छा है एकदम गोल ओरिएंटेड। तो वो मुझे बहुत अच्छा हो रहा और तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी ट्रांजिशन में। कई बार एकेडमिक में होता है कि कोई काम कर रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट हमारे हाइपोथेसिस के हिसाब से नहीं आया, कुछ और आ गया, उसको इन्वेस्टिगेट करने लगे। जब उधर कुछ अच्छा रिजल्ट आया तो फिर सोचता अच्छा इसको एक काम साइड में कर लेते हैं, इस पर नया ग्रांट लिखेंगे, फिर इस पर करेंगे। गोल से बहुत ज़्यादा हम लोग वो हो जाते हैं, ऑफ मूव कर जाते हैं, कंपनी में ये नहीं चलेगा। हाँ, कंपनी से रिलेटेड कुछ है उसी को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसी को सॉल्व कीजिए एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। सो व्हाट इज द वर्क प्रेशर एज कंपेयर टू एकेडमिक रिसर्च इन द इंडस्ट्री? जस्ट लाइक आई सेड कि हमारे पास बहुत टाइम रहता है पोस्ट डॉक में, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत टाइम रहता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना? आप एक दो दिन इधर उधर रिसर्च कर सकते हो। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री का रहता है कि भाई नहीं, अगर इस हफ्ते में आपको ये काम खत्म करके देना है तो आपको खत्म करके देना है। मेरे यहाँ बहुत प्रेशर नहीं है, बट हाँ ऑलरेडी एक वीक का सब कुछ डिजाइन हो जाता है, आपको उतना खत्म करना है वीक फिनिश होने के पहले, क्योंकि सारी टीम डिपेंडेंट होती है कि अगर आपने अगर इस वीक काम नहीं खत्म किया तो जो नेक्स्ट टीम है उस पे काम करने वाली है वो डिले हो जाएगा। तो बहुत कोऑर्डिनेट होके यू हैव टू फिनिश दैट टाइमली। एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकेडमिक रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन सेट अप योर ओन टाइम, कभी भी काम फिनिश कर सकते हो। What is the flexibility in industry in terms of going little early, coming late? भले ही पहले नहीं रहा हो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन पैंडेमिक के बाद सारी कंपनीज ने फ्लेक्सिबल कर दिया है और बहुत सारी कंपनी अभी हाइब्रिड मोड में चल रही है कि अगर आप 3 दिन जाके कर सकते हैं और 2 दिन घर से काम कर सकते हैं। मेरी कंपनी का ये है कि हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी है कि 3 दिन ऑफिस जाना है, 10-3 सबको ऑनलाइन रहना है और बाकी 2 दिन आप घर से काम कर सकते हैं और आगे पीछे का कर सकते हैं। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना काम फिनिश करिए कैसे। सो आप मॉर्निंग में जाके तुम 3 बजे आ सकती हो? यस, डेफिनेटली। कोई पर्सन 10 बजे जाके शाम को आ सकता है? या तो फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे रहती है डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। और कहें पोस्ट डॉक रिसर्च में तो बहुत सारी एसी लैब हाई प्रेशर होती है कि आपने देखा होगा पोस्ट डॉक में भी लड़के 12-12, 14-14 घंटा काम करते हैं और अपने बच्चों के बर्थडे पे भी टाइम से नहीं पहुंच पाते। इंडस्ट्री में आप बोल देंगे ना कि आज हमारे बर्थडे है हमारे बेबी का, आपको फ्री हॉलीडे मिल जाएगी, तुरंत कंपनी वाले फ्री हॉलीडे देंगे, यू गो एंड सेलिब्रेट विथ योर फैमिली। कोई भी पर्सन अगर एकेडमिक रिसर्च से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहता है और उसके पास कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में आप लिखें, हम लोग बताएंगे। वी विल ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना बाकी है एंड आई विल इनवाइट अ लॉट ऑफ माय अदर फ्रेंड्स हु आर इन इंडस्ट्री, दे आर डूइंग रियली वेल, सो उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर तुम कुछ बोलना चाहोगे इनकरेजिंग वर्ड्स या कोई भी पर्सन इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहता है उसके लिए कुछ, तो भले ही आपको इंडस्ट्री में जाने पे वहाँ का काम नहीं अच्छा लगे, वर्क कल्चर नहीं अच्छा लगे, आप वापस आ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये तो रहेगा ना कि हाँ आपने देख लिया है, तो बाद में नहीं रहेगा कि हम क्यों नहीं गए। तो डेफिनेटली गो फॉर इट। जो भी आप काम कर रहे हैं पोस्ट डॉक में या फैकल्टी में हैप्पी हैं देन इट्स गुड, इफ यू वांट टू ट्रांजिशन कम्प्लीटली बहुत ईजी है। मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 1.5 ईयर काम किया हूँ एफ्टर मास्टर, उसके कंपेरिजन में यहाँ की इंडस्ट्री में कोई वर्क नहीं है, कोई वर्क प्रेशर नहीं है कंपेयर टू इंडिया। आई एम टेलिंग यू, इंडिया की इंडस्ट्री में बहुत वर्क प्रेशर होता है, यहाँ पर वैसा नहीं है। सो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नए वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे थे, क्या क्या मिस्टेक कर रहे थे, कैसे फाइंड किए हम लोग जॉब, सो कुछ उसमें टिप्स शेयर करेंगे। तो जो पर्सन भी इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहते हैं उसके लिए हेल्पफुल रहता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।